पैथोलॉजी के इस लेक्चर में अब हम लोग बात करेंगे केमिकल मीडिएटर्स के बारे में हम इन्फ्लामेशन को समझ चुके हैं व्हाट इज इन्फ्लामेशन इस बात को हम लोगों ने पहले ही इसके पिछले लेक्चर में चर्चा किया था अब हमारा मेजर जो टारगेट है वो है केमिकल मीडिएटर्स के बारे में लेकिन एक बार फिर से हम उस डिफिनीशन को समझने की कोशिश करेंगे उसको रिवाइज कर लेते हैं इन्फ्लामेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन फ्रॉम द ब्लड their accumulation in tissues and their activation to destroy the microbes. ये हमारा target होता है इस पूरे reactions के लिए cytokines involved होते हैं जो कि dendritic cells से produce होते हैं macrophages से produce होते हैं और दूसरे cells, वे सभी जो कि इन्नीट इम्यून रिस्पॉन्स को कोऑर्डिनेट करते हैं इस पूरी प्रोसेस को आगे हम वीडियोस के माध्यम से देखेंगे समझेंगे कि इसमें कैसे साइटोकाइंस को बनाने की प्रोसेस माइक्रोफेज से स्टार्ट होती है इस काम में डेंड्राइटिक सेल्स भी इन्वॉल्व होते हैं तो ये माइक्रोफेजिस से कैसे स्टार्ट होती है कैसे ये साइटोकाइंस रिलीज होकर के आगे वैस्कुलर इवेंट्स को कोऑर्डिनेट करते हैं वैस्कुलर इवेंट्स से फिर सेलुलर इवेंट्स कोऑर्डिनेट होती हैं इन सारी बातों के बारे में हम लोग अभी देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर ल्यूकोसाइट्स जो इस इन साइटोकाइंस की रिलीज होने के वजह से जो ल्यूकोसाइट्स इनफ्लैमेटरी साइट पर पहुँचेंगे या फिर जहाँ बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है उस साइट पर पहुँचते हैं उनमें फैगोसाइट्स न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट्स पहुंचते हैं इसमें न्यूट्रोफिल्स का जो इस्तेमाल किया जाता है वो एक्यूट इन्फ्लामेशन के लिए किया जाता है न्यूट्रोफिल्स एक्यूट इन्फ्लामेशन के दौरान पहुंचते हैं और आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे किस तरीके से मोनोसाइट्स का रिक्रूटमेंट होता है जो फर्दर मैक्रोफेज में बदलते हैं और ये मैक्रोफेजिस के रूप में पहुँच करके क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के दौरान पार्टिसिपेट करते हैं इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अगर एक्यूट इन्फ्लामेशन की बात करेंगे तो मेज़र रिक्रूटमेंट न्यूट्रोफिल्स का होता है जबकि अगर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है तो मोनोसाइड्स भेजे जाते हैं क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में किस तरीके से मोनोसाइड्स भेजे जाएंगे कैसे वो माइक्रोफिज में बदलते हैं और आगे किस तरीके से क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के आगे कौन कौन सी घटनाएं है घटती हैं उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे तो आपको समझना होगा एक्यूट इन्फ्लामेशन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है हमें समझना न्यूट्रोफिल्स के बारे में और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में मोनोसाइट्स पार्टिसिपेट करते हैं तो यहाँ पर आप जानते हैं कि मेजर जो इन्नीट इम्यूनिटी हमारी है बाई बर्थ जो इम्यून रिस्पॉन्स हैं उसमें इन्फ्लामेशन और एंटी वायरल डिफेंस होता है इस इम्यूनिटी के टॉपिक में आप इनेट इम्यूनिटी के बारे में आप जानते हैं इन्फ्लामेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इम्यूनिटी के टॉपिक से जुड़ा हुआ है इन्फ्लामेशन की प्रोसेस में इनेट इम्यूनिटी के बहुत सारे जो सेल्स हैं वो सीधे तौर पर इन्वॉल्व होते हैं आप जानते हैं इन्नेट इम्यूनिटी नेचुरल नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है जिसमें फैगोसिटिक सेल न्यूट्रोफिल्स या मैक्रोफेज पार्टिसिपेट करते हैं नेचुरल सेल्स पार्टिसिपेट करती हैं डेंड्राइटिक सेल्स पार्टिसिपेट करते हैं स्नोफिल्स मास सेल्स म्यूकोसल इपिथिलियल सेल्स इंडोथिलियल सेल्स पार्टिसिपेट करते हैं ये सभी के सभी सेल्स इनट इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि नेचुरल हमारी बॉडी की इम्यूनिटी होती है आपको आगे चल करके हम देखेंगे कि यही सेल्स केमिकल मीडिएटर्स को रिलीज करके एक दूसरे के बीच बीच में कोऑर्डिनेशन तैयार करती हैं तो इसीलिए इमनेट इम्यूनिटी का सीधे तौर पर रिलेशन इन्फ्लामेशन से है और ये सभी के सभी सेल आगे अभी हम इम्यूनिटी का जो टॉपिक होगा उसमें भी डिटेल में चर्चा करेंगे तो आपको केमिकल जो मीडिएटर्स हैं उनको लेकर के जितनी भी चीज़ें हैं वो कॉन्सेप्ट अगर एक बार क्लियर हो जाता है तो हम इस टॉपिक को तो समझेंगे ही आगे हम इम्यूनिटी के टॉपिक को समझ लेंगे हाइपर सेंसिटिविटी के टॉपिक को समझ लेंगे इसके साथ ही साथ हम इन्हीं केमिकल मीडिएटर्स को सप्रेस करने के लिए तमाम फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं तो उन ड्रग्स uh, की फार्माकोलॉजी के बारे में भी हम लोग बात कर सकेंगे तो इसीलिए इस टॉपिक को डिटेल में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है केमिकल मीडिएटर्स होते कौन हैं ये पॉइंट हमारे सामने आता है तो वो सब्सटेंस जो कि इन्फ्लामेशन को रेगुलेट करते हैं वो या तो इन्हेंस करते हैं या तो डिक्रीज करते हैं एक्चुअली आप जानते हैं कि इन्फ्लामेशन की प्रोसेस को जब ज़रूरत हो तो इन्हेंस करना बहुत अच्छी बात होती है और जब उसका इफेक्ट खत्म करने की बात आती है यानी जब उसका अब इफेक्ट की जरूरत नहीं होती तो उसे डिक्रीज कर देना चाहिए वरना अगर अनावश्यक रूप से अगर इन्फ्लैमेटरी प्रोसेस गोइंग ऑन रही तो हमारी बॉडी के लिए ये नुकसान की बात होती है इसीलिए केमिकल मीडिएटर्स या तो इन्हेंस करते हैं या तो डिक्रीज भी इन्फ्लैमेटरी प्रोसेस को करते हैं बेसिकली इसमें जो सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होती हैं वो वैसे वो एक्टिव हैं, लिपिड प्रोडक्ट्स हैं साइटोकाइन्स हैं कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के प्रोडक्ट्स हैं और कोआगुलेशन प्रोडक्ट्स हैं इस तरीके से जो डिफिनेशन बनाई गई है ये केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पे बनाई गई है लेकिन इसको समझने में थोड़ी मुश्किल होती है जो बेसिक हम इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि केमिकल मीडिएटर्स दो कैटेगरी के होते हैं एक वो जिन्हें सेल्स कोई पर्टिकुलर सेल बनाएगी दूसरी वो होती हैं जो प्लाज्मा में ऑलरेडी घूम रहे होते हैं हमें पता नहीं चलता है वो इनएक्टिवेटेड स्टेज में होते हैं जिन्हें लीवर बना करके प्लाज्मा में भेजता रहता है इसमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के प्रोडक्ट्स होते हैं क्लॉटिंग सिस्टम से जुड़े हुए प्रोटीन्स होते हैं काइनिन सिस्टम से जुड़े हुए प्रोटीन होते हैं और इसी तरीके से क्लॉटिंग से रिलेटेड भी दो तरीके से होते हैं या तो क्लॉटिंग को बढ़ाने वाले या फिर क्लॉटिंग को तोड़ने वाले इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर दो तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं क्वागुलेशन से रिलेटेड और फाइब्रिनोलिटिक यानी जो क्लॉट को तोड़ने वाले तो यहाँ दो हो गए कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के प्रोडक्ट्स और उससे जुड़े हुए जो प्रोटीन्स हैं काइनिन सिस्टम से जुड़े हुए जो सब्सटेंसेस हैं वो इनएक्टिवेटेड स्टेज में ये हमारे ब्लड में घूमते रहते हैं जब ज़रूरत पड़ती है तभी ये एक्टिवेट होते हैं कैसे एक्टिवेट होते हैं क्यों एक्टिवेट होते हैं उसके बारे में हम इस लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे ये हो गया हमारे प्लाज्मा में घूमने वाले ऐसे प्रोडक्ट्स जो सिस्टमिक इन्फ्लुएंस रखते हैं वहीं कोई पर्टिकुलर सेल कुछ सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करती है वो सब्सटेंस या तो पहले से प्री प्रीफॉर्म्ड हो सकते हैं वो पहले से बने हुए हो सकते हैं या फिर उनको तुरंत बनाया जाए जब जरूरत हो तभी बनाया जाए तो जो पहले से बने हुए होते हैं उनमें होते हैं हिस्टामिन सिरोटेनिन और लाइसोसोम्स के एंजाइम्स ये तीन होते हैं प्री फॉर्म्स में तीन कैटेगरी प्री फॉर्म्स में हिस्टामिन सिरोटेनिन और लाइसोसोमल एंजाइम्स आते हैं वहीं न्यूली फॉर्म प्रोडक्ट्स में प्रोस्टाग्लैंड ल्यूकोट्राइन्स नाइट्रिक ऑक्साइड और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स ये होते हैं ये कैसे रिलीज होते हैं कब रिलीज होते हैं क्यों तुरंत बनाए जाते हैं इसके बारे में हम आगे विशेष रूप से हम चर्चा, चर्चा करेंगे केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कीमोकाइंस ल्यूकोट्राइंस प्रोस्टागलैंड कॉम्प्लीमेंट सब्सटेंसेस कोआगुलेशन के प्रोडक्ट्स ये डिवीजन मुझे उतना सही नहीं लगता है जो मैंने अभी आपको बताया वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है समझ पाना अब यहाँ पर उसी चीज को हम सोर्स के आधार पर बात करेंगे तो हमने आपको बताया कि सेल्स जो जिन प्रोडक्ट्स को तैयार करती हैं उनमें सेल्स के पास पहले से बने हुए कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें हिस्टेमिन बहुत खास होता है आपको पता होगा मास सेल्स हिस्टामिन को रिलीज करते हैं ऐसे ही सिरोटोनिन को रिलीज किया जाता है ठीक है सीरोटोनिन के बारे में आपको बताया था फिर हमने बताया कि यहाँ पर तमाम तरीके के सेल्स इंडोथिलियल सेल्स बहुत दूसरे सेल्स ये तुरंत डी नोवो जब जरूरत पड़ती है तुरंत कुछ सब्सटेंस को रिलीज करते हैं इसमें माइक्रोफेजेस भी होते हैं वो प्रोस्टाग्लैंड को रिलीज करते हैं ल्यूकोट्राइन्स को रिलीज करते हैं साइटोकाइन्स को रिलीज करते हैं और प्लाज्मा प्लाज्मा में ऑलरेडी डिजॉल्व होकर के घूम रहे भी तमाम इनएक्टिव प्रिकर्सर्स होते हैं जिसमें आपको मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के जुड़े हुए प्रोडक्ट्स जो कि इनएक्टिव स्टेज में होते हैं आप आगे देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्यों एक्टिवेट होता है कब जरूरत पड़ती है वैसे वो इनएक्टिव स्टेज में रहते हैं ऐसे ही क्लौ, क्लौ, क्वागुलेशन से रिलेटेड जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो इनएक्टिव स्टेज में हमारे ब्लड में घूम रहे होते हैं ये जो सब्सटेंसेस हैं ये किसी सेल के द्वारा बनाए जाते हैं या तो वो पहले से बने होते हैं या उन्हें तुरंत बनाने की ज़रूरत पड़ती है ये हैं हमारे सेल डेराइव्ड और प्लाज्मा डेराइव्ड केमिकल मीडिएटर्स तो इनके बारे में हम लोगों ने समझा अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर बहुत आसानी हो जाती है इनको बनाता कौन है मैंने आपको बताया ये जितने भी सब्सटेंसेस बनाए जाते हैं इसमें मैक्रोफेज हैं डेंड्राइटिक सेल्स हैं और दूसरे मास सेल्स हैं इसको प्रॉस्टाग्लैंड के बारे में और इनके कुछ सोर्सेज इंड्रोथिलियल सेल से भी बनते हैं तो ये कॉन्सेप्ट्स समझने से आपको एक आसानी हो जाएगी आगे इननेट इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा ये कैसे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो यहाँ पर आप इस प्रॉब्लम को देख पा रहे हैं ये कहाँ से रिलीज होते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के प्रोडक्ट्स कैसे काम करते हैं अब हम बात करेंगे कि कैसे ये मीडिएटर्स एक्साइट होते हैं कैसे ये स्टिमुलेट होते हैं कैसे इन्हें पता चलता है कि, आ, कि इन सिग्नल्स को रिलीज करना ज़रूरी है कैसे मास सेल्स को पता चलता है कि उसे हिस्टेमिन रिलीज करना ज़रूरी है कैसे पता चलता है कि मास सेल्स के अलावा मैक्रोफेजेस को साइटोकाइंस को रिलीज़ करना ज़रूरी है टिशू नेक्रोटिक फैक्टर को रिलीज करना जरूरी है कैसे पता चलता है कि प्रोस्टाग्लैंड बनाना अब शुरू कर देना चाहिए तो उसके लिए के रूप में काम करते हैं माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स नेक्रोटिक डेब्रीज जहां डैमेज हुआ है वहां के नेक्रोटिक डेब्रीज और माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स इसको इस पूरी प्रोसेस को स्टूमुलेट करते हैं कैसे स्टूमुलेट करते हैं इस पूरी प्रोसेस को हम कई बार डिस्कस करेंगे आगे हम इनिट इम्यूनिटी में भी बात करेंगे हम देखेंगे कि टोल लाइक रिसेप्टर्स पाए जाते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पर टोल लाइक रिसेप्टर्स पाए जाते हैं ये टोल लाइक रिसेप्टर्स क्या हैं इसको हम आगे डिस्कस करेंगे फिर हमें पता चलेगा कि ये प्रोसेस कैसे स्टिमुलेट होती होगी घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर यहाँ कम समझ में आया है तो भी बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम इसे दोबारा पढ़ेंगे हम बाद में आगे चर्चा करेंगे इन्ट इम्यूनिटी में भी इसके बारे में तो यहाँ मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर सेल डिराइवड जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि सेल्स से बने हुए तो इसमें होता क्या है प्रीफॉर्म्ड पहले से बने हुए सेल्स के द्वारा रिलीज किए जाने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें होता है हिस्टामिन जिसको मास सेल्स बेसोफिल्स प्लेटलेट्स मेनली रिलीज करते हैं वहीं सीरोटोनिन को केवल प्लेटलेट्स रिलीज करता है तो ये सीरोटोनिन किसके द्वारा रिलीज होता है मेनली प्लेटलेट्स के द्वारा ये सेल

एक ही जैसे सेल्स में काम प्रोडक्ट्स ये दोनों तैयार होते हैं वो ल्यूकोसाइट्स हैं मास्ट सेल्स हैं ये कैसे ट्रिगर होती है प्रोसेसिंग को बनाने के लिए ताजे ताजे तुरंत क्यों बनाए जाते हैं न्यूली सिंथेसाइज क्यों होते हैं कैसे होते हैं क्या है ट्रिगर इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे तो यहाँ पर बात आती है ऐसे ही प्लेक्ट प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स भी होते हैं ये प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स कौन रिलीज करता है इसको सभी ल्यूकोसाइट्स रिलीज करते हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है जिसमें इन्फ्लामेशन के मीडिएटर्स रिलीज किए जाते हैं ताकि दूसरे सेल्स तक प्रॉपर सिग्नल पहुंचे और इन्फ्लामेशन के प्रोसेस को रेगुलेट किया जा सके इसमें और क्या न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट्स होते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज आपको मैंने बताया है कि फैगोसाइटोसिस के दौरान ये जितने भी प्रोस्टाग्लैंड ल्यूकोट्राइन्स रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज नाइट्रिक ऑक्साइड ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स रिलीज़ किए जाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड को कौन रिलीज करता है मैक्रोफेज रिलीज करते हैं इंडोथिलियल सेल्स रिलीज करती हैं ऐसे ही साइटोकाइंस को मैक्रोफेज लिम्फोसाइड्स और इंडोथिलियल सेल्स मास सेल्स रिलीज करती हैं ये साइटोकाइंस कौन हैं कैसे हैं इसके बारे में अभी हम आगे एक एनिमेशन की मदद से हम आपके सामने बात रखेंगे अभी हम एक एनिमेशन के द्वारा साइटोकाइंस के इंपॉर्टेंस को समझेंगे साइटोकाइंस में आई एल वन और टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे उसमें देखने को मिलेगा कि ये जो आई एल वन टाइप का या टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर का जो टाइप का जो साइटोकाइंस है ये पूरे के पूरे दूसरे मैक्सिमम सिग्नल्स को एक्टिवेट कर देते हैं बहुत सारे काम करते हैं इन्फ्लामेशन की बहुत सारी एक्टिविटीज़ को साइटोकाइन से रेगुलेट करते हैं जैसे ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ का बनना नाइट्रिक ऑक्साइड्स का बनना प्रोस्ट का बनना कोलेजन के सिंथेसिस को बढ़ाना दूसरे साइटोकाइंस को रेगुलेट करना यहाँ तक कि इंडोथिलियल सेल्स पर भी पहुँच करके अभी हम देखेंगे एक एनिमेशन के माध्यम से इंडोथिलियल सेल्स पर भी पहुंच करके जो उनके जो मालिक्यूल्स हैं इन आई सी एम मालिक्यूल्स मालिक्यूल्स उन सभी मालिक्यूल्स को एक्साइट करके उनको एक्टिवेट करना ये सारा काम इन्हीं साइटोकाइंस का होता है आई एल वन और टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर का होता है उसको अभी हम आगे एक एनिमेशन के माध्यम से समझेंगे तो यहाँ पर आपने देखा न्यूली सिंथेसाइज जिसको तुरंत बनाया जाता है उसमें साइटोकाइंस भी होते हैं जिनको मैक्रोफेज का नाम मत भूलिएगा मास सेल्स भी बनाते हैं दूसरे सेल्स भी बनाते हैं लेकिन बहुत ज्यादा इनका नाम याद रहना चाहिए क्योंकि अभी एक इन एनिमेशन में जब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी तो प्लाज्मा प्रोटीन्स डेराइड अभी मैंने आपको बताया कि सिस्टमिक इफेक्ट्स रखने के लिए अभी तक इससे पहले जो हमने चर्चा किया था वो कौन से मीडिएटर्स थे वो सेल मीडिएटेड थे अब हम आपको बता रहे हैं प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव यानी जो प्लाज्मा में घूम करके चलते हुए जो प्रोटीन्स हैं जो इनएक्टिव प्रोटीन्स हैं जिनको लीवर ने सिंथेसाइज किया है उनके बारे में अब हम बात करेंगे तो इनफ्लामेशन के प्रोसेस में केमिकल मीडिएटर्स के रूप में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के प्रोटीन्स होते हैं जो इनएक्टिवेटेड स्टेज में होते हैं इसमें आप देखेंगे कि C3A, C5A, ये एनाफाइला के लिए होते हैं। तो सी थ्री ए सी फाइव ए हैं एनाफाइला टॉक्सिन। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे सी थ्री बी की जब बात आती है तो ये ऑप्सोनाइजेशन के लिए काम करता है ऑप्शनाइजेशन की प्रोसेस को आगे हमें समझने को मिलेगा सी फाइव टू सी नाइन यानी फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ये मैक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाने में मदद करते हैं कैसे करते हैं उसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे यहीं पर आप देखेंगे प्लाज्मा के द्वारा प्रोड्यूस किया जाने वाला फैक्टर ट्वेल्व हैगमैन फैक्टर इनका इम्पोर्टेंस अभी हम देख रहे हैं ये काइनिन सिस्टम को एक्टिवेट करता है और क्वागुलेशन के पाथवे को एक्टिवेट करता है तो ये काइनिन सिस्टम क्या है क्वागुलेशन कॉस्किड क्या है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे देखेंगे कि किस तरीके से फैक्टर ट्वेल्थ से शुरू होकर के पूरी की पूरी क्वागुलेशन की कॉस्किड यानी तेजी से एक प्रोसेस आगे स्टार्ट होती है यहाँ पर केमिकल मीडिएटर्स की बात करें तो ये स्पेसिफिक स्टिमुलस जा करके ले करके जाते हैं और एक ख़ास सेल को ट्रिगर करते हैं एक खास इवेंट को ट्रिगर करते हैं प्रॉपर डायरेक्शन में होने के लिए इन्फ्लामेशन के लिए इननेट इम्यूनिटी का ही एक पार्ट है हमारा इन्फ्लामेशन भी तो इसीलिए ये प्रोसेस अगर हम समझ लेते हैं एक बैकग्राउंड बना लेते हैं तो इम्यूनिटी का टॉपिक समझना बहुत आसान हो जाएगा अगर इम्यूनिटी को समझ लेंगे तो फिर आगे माइक्रोबायोलॉजी को समझना आसान हो जाएगा पैथोलॉजी के टॉपिक को समझना आसान हो जाएगा ये केमिकल मीडिएटर शॉर्ट लिव्ड होते हैं ये कॉस्केड रिएक्शन कराते हैं यानी एक से रिलेटेड दूसरा रिएक्शन होता है तो अब हम बात करते हैं वैसो एक्टिव के बारे में वैसो मीनस वेसल्स एक्टिव एक्ट्स ऑन यानी जो वैसल्स पर एक्ट करते हैं ये कैसे काम करेंगे ये अब हमारे दिमाग में आती है बातें तो वैसो एक्टिव सब्सटेंसेस या तो वेसल्स को डायलेट कर देते हैं यहां पर देखें आप या फिर वैसल्स को कॉन्स्टिक्ट कर देते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा आप देख सकते हैं कि अगर ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएं किसी प्रोसेस के दौरान तो हीट का लॉस होने लगता है और अगर कहीं ब्लड वेसल्स जरूरी पड़ने पर अगर कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिए जाए वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए तो हीट का लॉस घट जाएगा इस तरीके से ये वैसो डायलेशन और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की कहीं ज़रूरत पड़ती है मैंने आपको बताया है कि हमारी बॉडी में इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स के दौरान ये केमिकल मीडिएटर्स किसी प्रोसेस को या तो बढ़ाते हैं या फिर उसे घटाते हैं तो वो दोनों ही चीजें चलती हैं जहाँ जैसे जरूरत होती है बात करते हैं हिस्टेमिन की जो कि सेल्स के भीतर बना हुआ प्रीफॉर्म्ड केमिकल मीडिएटर है इसका प्राइमरी सोर्स है मास्ट सेल्स मास्ट सेल्स इसे रिलीज करती हैं वाया डीग्रेनुलेशन डीग्रेनुलेशन एक रिलीज कराने के प्रोसेस को हम कहते हैं जब फिजिकली कोई इंजरी हो एंटीबॉडी की बाइंडिंग हो मास्सेल्स से या फिर कोई एनाफाइलोटॉक्स हो जैसा कि आप समझते हैं कि अचानक कोई सिग्नल ऐसा आए जिसकी वजह मास से मासेल्स डिग्रेनुलेट करके स्टेमिन को रिलीज करे ये प्रोसेस हमारी बॉडी के लिए प्रोटेक्टिव भी है कई बार ये दिक्कत भी खड़ी करती है मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि एनाफाइलो के रूप में सी थ्री ए सी फाइव ए कॉम्प्लीमेंट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इसके लिए मदद करते हैं तो ये नाम आपको याद रहना चाहिए सी थ्री ए सी फाइव ए कॉम्प्लीमेंट्स के प्रोडक्ट्स भी इसमें मदद करते हैं एंटीबॉडीज जैसे आप आगे चलकर के देखेंगे कि आई जी ई आई जी ई आकर के मास सेल्स पर जब बढ़ता है तो मास सेल्स हिस्टामिन को रिलीज करते हैं इस प्रोसेस को हम टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी में पढ़ेंगे टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी का भी आगे हम डिस्कस करेंगे तो ये पूरा का पूरा टॉपिक जो हम इस समय डिस्कस कर रहे हैं केमिकल मीडिएटर्स का इसकी समझ अच्छी हो जाने से हम इम्यूनिटी के टॉपिक पर कमांड अच्छा कर सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी में इम्यूनिटी का टॉपिक काफ़ी हद तक है उसके बारे में हम एक अच्छी समझ बना सकते हैं इसके साथ ही साथ हम ऑटोक्वाइट्स करके एक टॉपिक है फार्माकोलॉजी में तो उसको भी कमांड बनाया जा सकता है क्योंकि हम हिस्टेमिन के रिलीज़ होने को हम रोकते हैं हिस्टेमिन के इफ़ेक्ट्स सिस्टमिक इफेक्ट्स कहाँ कहाँ पर इसके एक्सेसिव इफेक्ट्स दिक्कतें होती हैं उसको रोकने के लिए हम ड्रग्स का इस्तेमाल करते तो ऑटोक्वाइट्स का जो हमारा टॉपिक है फार्माकोलॉजी का उसको भी समझने के लिए हमारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर आपने देखा एंटीबॉडी के बाइंड होने पर आईजीई के बाइंड होने पर आपने देखा प्राइमरी सोर्स हिस्टामिन का कौन कौन हो सकता है मास सेल्स प्राइमरी सोर्स है बेसोफिल्स प्लेटलेट्स भी हो सकते हैं इसमें ये मास सेल्स कहाँ पाए जाते हैं अब ये अगला सवाल हमारा हो सकता है क्योंकि मास सेल्स ही वो प्राइमरी सोर्स हैं जहाँ पर हिस्टामिन रिलीज होता है ये बात हमने क्लियर कर लिया इसके अलावा हमने आपसे बात किया कि मार्स सेल्स के अलावा हिस्टेमिन को रिलीज करता है बेसोफिल्स और प्लेटलेट्स भी रिलीज करते हैं लेकिन मेनली मार्स सेल्स रिलीज करते हैं जो कि डर्मिस में गट की म्यूकोसा सब म्यूकोसा में पाए जाते हैं हमारे कंजक्टाइवा में पाए जाते हैं पलमोनरी अल्बिलाई और एयर वेजिस में पाए जाते हैं ये मास सेल्स जो डर्मिस में पाए जाते हैं ये हमारे ब्लड वेसल्स के आस में पाए जाते हैं इसी वजह से जब इन मास से जो डर्मल मास हैं वो ब्लड वेसल्स के ही आसपास में पाए जाते हैं इसी वजह से जब ये मास हिस्टामिन को रिलीज करते हैं तुरंत ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं जिसकी वजह से टाइप वन सेंसिटिविटी के कॉन्सिक्वेंसिस देखने को मिलते हैं नर्व्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा लिम्फेटिक्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इन सारी चीजों को हम आगे देखेंगे हम बात भी करेंगे इस पर डिटेल में टाइप वन सेंसिटिविटी में यहां पर देखा जाता है कि स्किन के पर क्यूबिक मिलीमीटर में सेवन थाउजेंड टू ट्वेंटी थाउजेंड मास पाए जाते हैं उनकी डेंसिटी इतनी होती है अब यहां पर आप देख सकते हैं हमारी बॉडी में आगे चल करके फार्मेकोलॉजी का जो एटोक्वाड का चैप्टर्स है उसमें हम एंटीहिस्टेमिनिक ड्रग्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं एंटी हिस्टामिन जो ड्रग्स हैं वो कैसे काम करते हैं उसके बारे में हम वहाँ पर डिटेल में चर्चा करते हैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है कि हिस्टामिन जो रिलीज हुआ है उसके बॉडी में अपने रिसेप्टर्स होते हैं जिसमें अलग अलग इनके नाम दिए गए हैं हिस्टामिन को एक्सेप्ट करने के लिए हिस्टामिन जो रिलीज हुआ है उसको महसूस करने के लिए बॉडी में अलग अलग साइड्स पर अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं जैसे एच रिसेप्टर्स होता है जो कि स्मूद मसल्स पर पाया जाता है स्मूद मसल पर पाई जाती हैं? जैसे हमारे ब्रोंकियल ब्रॉकियल पर पाई जाती हैं। ऐसे ही स्मूद मसल पाई जाती हैं में, यानी ये जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है वहां के smooth, वहां पर स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। ऐसे ही H1 वन रिसेप्टर्स पाए जाते हैं इंडोथिलियल सेल्स में अब ये एच वन रिसेप्टर्स इन तीन जगहों पर पाए जाते हैं अगर ये को एक्सेप्ट करते हैं तो एच वन रिसेप्टर क्या करेगा histamine को एक्सेप्ट करने के बाद अपना रिस्पांस शो करता है जिसकी वजह से ब्रॉन्को कॉन्स्ट्रक्शन यहां लंग्स में आपको देखने को मिलेगा यहां पर ब्रॉन्को कॉन्स्ट्रक्शन इसका इफेक्ट देखने को मिलता है जबकि स्मूद मसल्स की एक्टिविटी जी ट्रैक में क्या होगी बढ़ जाती है जिसकी वजह से बावल का पेरिस्टाल्टिक इफेक्ट बढ़ जाता है ऐसे ही हिस्टेमिन्स जब इंडोथिलियल सेल्स पर पर एक्ट करते हैं तो यहां पर ब्लड वेसल्स की को बढ़ाते हैं जिसकी वजह से वैसोडाइलेशन हो जाता है तो एच वन रिसेप्टर तीन जगहों पर उनका साइट है खास ऐसे ही हिस्टामिन को एक्सेप्ट करने के लिए दूसरे टाइप का रिसेप्टर होता है वो है एच टू रिसेप्टर एच टू रिसप्टर कहाँ पर पाए जाते हैं ये गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स में पाए जाते हैं एच टू रिसेप्टर गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स में पाए जाते हैं और इनकी वजह से एच सी एल का सिक्रेशन बढ़ जाता है तो यही वजह है कि जब हमें एच वन एंटागोनिस देते हैं तो हम एच वन एंटागोनिस जब देते हैं तो हिस्टामिन का वो इफेक्ट जो एच वन पर होता है उसको रोका जा सकता है वहीं जब हम एच टू एंटागोनिस देते हैं तो हम यहाँ पर पेराइटल सेल्स पर हिस्टामिन के द्वारा होने वाले इफेक्ट्स को रोकते हैं ऐसे ही एच थ्री रिसेप्टर भी होता है एच थ्री रिसेप्टर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं तो एच थ्री रिसेप्टर्स हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं वहीं एच फोर रिसेप्टर मास्ट सेल्स स्नोफिल्स टी सेल्स डेंड्राइटिक सेल्स में पाए जाते हैं तो इनके अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग रिसेप्टर्स -अलग होते हैं तो H3 रिसेप्टर CNS में पाया जाता है H4 रिसेप्टर मासेल्स में स्नोफ़िल्स पर टी सेल्स पर डेंड्रैटिक सेल्स पर पाया जाता है यानी ये H4 रिसेप्टर्स हिस्टामिन को जहीं एक्सेप्ट करेंगे ये एक्टिवेट होने लगते हैं तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट होता है वो बेसिकली इन्वॉल्वमेंट एच वन रिसेप्टर्स के रूप में हम वैसो डायलेशन का देख सकते हैं और एच फोर रिसेप्टर की वजह से मास सेल्स का एक्टिवेशन हालांकि मास सेल्स ही प्रोड्यूस करते हैं लेकिन इनका खुद पर भी इफेक्ट होता है अपने जैसे सेल्स पर भी इफेक्ट होता है और आस के जो नियर बाई सेल्स होते हैं उनको भी ये एक्टिवेट करते हैं स्नोफिल्स को एक्टिवेट करते हैं जिनके पास एच फोर रिसेप्टर होता है वह एच स्टेमिन जुड़ता है और उसे एक्टिवेट करता है टी सेल्स के पास भी एच फोर रिसेप्टर होते हैं डेंड्राइटिक सेल्स के पास भी फोर रिसेप्टर ये बेसिक इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास रहती है तो फार्मा को समझना आसान हो जाता है फर्स्ट जेनरेशन एंटी हिस्टेमिन ड्रग्स का नाम यहां पर दिया हुआ है जिसका नाम यहां डाइफेन हाइड्रामीन है आप यहां पर देख सकते हैं यह दो तरीके से एक्शन करता है आगे हम लोग फार्मेकोलॉजी में पढ़ेंगे क्लोरोप्रोमाजीन के बारे में जो कि यहाँ हम देख सकते हैं कि ये एंटी हिस्टेमिनिक इफ़ेक्ट्स रखता है लेकिन ये फर्स्ट जनरेशन का एंटी हिस्टेमिनिक ड्रग है इसलिए इसके बहुत सारे दूसरे रिसेप्टर्स पर भी एक्शन होते हैं जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एंटी एंटीडोपिनर्जिक अपना एक्शन दिखा रहा है इसी तरीके से इसके अपने दूसरे एक्शन भी है सिडेशन का एक्शन है एंटी एमेटिक एक्शन है ये कुछ मामलों में एंटी कोल एक्शन भी रखता है तो इसके बहुत ब्रॉड इसके एक्शन होने की वजह से साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हो जाते हैं क्योंकि एक्शन एक जगह हो रहा है बाकी सारे जगहों पर इसका साइड इफेक्ट्स देखने को मिलता है तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स के बारे में आगे हम डिटेल में बात करेंगे उसमें हम जब चर्चा करेंगे तो आपको इन सारे नामों के बारे में बताएंगे किस तरीके से फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग बनाई गई कैसे सेकेंड स्टेज या सेकेंड जनरेशन एंटीहि ड्रग बनाए गए यहां पर आप देख सकते हैं एच टू एंटागोनिस्ट के रूप में रेंटेडिन का यूज होते हुए रेंटेडिन का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा एच सी एल का सिक्रीशन घट जाएगा तो हमने इस एक, इस एक स्लाइड का जो पर्टिकुलर हमने यूज इसलिए किया था कि आप यहाँ पर रिलीज होने वाले केमिकल मीडिएटर्स को रेगुलेट करने की प्रोसेस को फार्माकोलॉजी से रिलेट करके समझ पाए तो आप एच वन रिसेप्टर जिसके बारे में यहाँ पर दिखा रहा हूँ यह क्या करता है यह हमारे स्मूद मसल्स पर काम करता है और इंडोथिलियल सेल्स पर काम करता है स्मूद मसल्स जैसा कि यहाँ ब्राउन को कराता है स्मूद मसल्स जो हमारे ट्रैकियल ट्री में हैं उनका कंस्ट्रक्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पेरिस्टाइलसिस बढ़ा देगा स्मूद मसल्स के एक्शन की वजह से इंडोथिलियल सेल्स पर यह वैसोडाइलेशन का इफेक्ट होता है एसटू रिसेप्टर की वजह से यहाँ गैस्ट्रिक पेरिटाइटल सेल्स पर इसका अपना एक्शन होता है H3 रिसेप्टर CNS में और H4 रिसेप्टर मास्ट सेल्स और स्नोफ़िल्स पर पाए जाते हैं इस बारे में हम लोगों ने भी डिस्कस किया हमने बात किया कि तमाम तरीके के ड्रग्स हैं जो इस पर काम करते हैं तो H1 रिसेप्टर्स पर जब एक्शन होता है तो क्या होगा स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा इसी तरीके से वैसोडाइलेशन का इफेक्ट रखता है इतना ही नहीं सेंसरी नर्व एंडिंग्स पर स्टिमुलस भेजते भेजा जाता है जिसकी वजह से पेन का सेंसेशन और इचिंग होता है तो हिस्टामिन इस तरीके से काम करता है ये वैस्कुलर परमिबिलिटी को बढ़ाता है वैसोडाइलेशन कराता है कैपलरी की परमिबिलिटी बढ़ती है जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन में इसका इंपॉर्टेंस है स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से आप देख सकते हैं ब्राउको कॉन्स्ट्रक्शन और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स तेज हो जाते हैं एस्टू रिसेप्टर का इफेक्ट्स हम गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन में देखते हैं हालांकि ब्लड वेसल्स पर भी इसका एक्शन होता है ये वैसोडाइलेशन करा देता है यह भी एस रिसेप्टर्स जो ब्लड वेसल्स पर भी कुछ मात्रा में पाए जाते हैं तो ये कुछ संख्या में पाए जाने की वजह से कैपिलरी परमिबिलिटी को बढ़ाते हैं H3 रिसेप्टर्स ये सी में पाए जाते हैं और ये ब्रेन में भी वैसो डायलेशन कराते हैं तो इसके बारे में हमने चर्चा किया है आपको ज़्यादा घबराना नहीं है इसको समझना है ये कैसे मीडिएट करते हैं सेकेंडरी मीडिएटर्स की मदद से करते हैं एक, एक्जैक्टली वर्क कैसे होगा उसको अभी आप टारगेट में मत रखिए स्मूद मसल्स जो अराउंड लंग्स हो या इंटेस्टाइनल ट्रैक में पाया जाता है उस पर क्या इफेक्ट होगा इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है ऐसे ही गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन के बारे में भी हमने बात किया जो कि एच टू रिसेप्टर की मदद से होता है एच वन एंटागोनिस्ट के बारे में मैंने अभी आपको बताया का नाम अभी मैंने आपको बताया इसी तरीके से फैक्सोफिनाडीन सिट्रोजीन ये ड्रग्स आपको याद होंगे ये एच वन एंटागोनिस्ट पर ही काम करते हैं अभी मैंने आपको बताया डाइफिनहाइड्रामीन इसके अलावा दो और ड्रग्स अभी आप समझ लें फैक्सोफिनाडीन Citruzine, ये सभी के सभी के क्या करते हैं एंटीहिस्टेमिन एक्शन दिखाने की वजह से इनफ्लामेटरी रिस्पॉन्स को स्लो डाउन करते हैं फैक्सोफिनाडीन सिट्रोजीन ये कैसे काम करेंगे इसको हम फार्मा में डिटेल में डिस्कस करेंगे वहाँ पर हम ज्यादा विस्तार से बात कर पाएंगे इसमें डाइफिना डाईफिनहाइड्रामीन फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टेमिनिक ड्रग है जिसके साइड इफेक्ट्स ज्यादा होते हैं वहीं फैक्सोफेनाडीन और सिट्रोजीन ये सेकेंड जनरेशन एंटी हिस्टेमिनिक ड्रग्स हैं जिसके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं इन ये टारगेट स्पेसिफिक ज्यादा होते हैं तो इसीलिए ये ज्यादा बाद में ऐसी ड्रग्स बनाई गई जिनके एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट्स कम हों तो ये डाई के एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट्स होने की वजह से

ड्रग के दूसरे केमिकल मीडिएटर के बारे में सेरोटोनिन के बारे में जिन्हें प्लेटलेट्स रिलीज करते हैं और न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स रिलीज करते हैं ये कहां पर काम करेंगे न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स जिसमें हमारे जीआईटी में एंटरोक्रोमाफिन सेल्स पाई जाती हैं आपको समझना होगा सेरोटोनिन का एक्शन मैक्सिमम हमारे जी आई पर देखा गया है क्योंकि 90 परसेंट सिरोटेिन का एक्शन हमारे जी आई के लिए होता है और इसका एक्शन के जैसा होता है तो हिस्टेमिन के बारे में हमने देखा कि एच वन रिसेप्टर के द्वारा हिस्टेमिन हमारे जीआई आई ट्रैक की पेरिस्टाइलिस को बढ़ाता है वैसे ही सीरोटोनिन की भी वजह से जी आई में पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट्स तेज हो जाते हैं तो ये सिरोटोनिन पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट को रेगुलेट करने के लिए या उसे बढ़ाने के लिए या उसे लागू रखने के लिए उसे एक्टिव बनाए रखने के लिए सेरोटोनिन की आवश्यकता पड़ती है ये एक ख़ास न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमारे जी आई ट्री यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में रिलीज होता है तो इसका एक्शन हिस्टेमिन के जैसा ही होता है लेकिन यह लेस पोटेंट होता है ये ज़्यादा इफेक्टिव हमारे जी ट्रैक में होता है तो इस तरीके से हम लोगों ने हिस्टेमिन और सीरोटोनिन के बारे में पढ़ा हमें पता है कि ये हिस्टेमिन किसी स्टूमुलस के मिलने की वजह से रिलीज होते हैं चाहे हिस्टेमिन हो चाहे सीरोटोनिन हो इन्हें कोई स्टूमुलस जब मिलता है तो ये रिलीज होते हैं ये कैसे रिलीज होते हैं क्या ये पहले से बने होते हैं बिल्कुल सीरोटोनिन और हिस्टेमिन सेल्स के भीतर प्री स्टेज में होते हैं जब स्टूमुलस पहुंचता है तो मास्ट सेल्स जैसे यहाँ पर हिस्टेमिन का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो मास इन्हें डिग्रेनुलेट करते हुए रिलीज करती है स्टूमलस के रूप में फिजिकल इंजरी एंटीबॉडीज आईजीई पहुंच जाए या फिर आ, यहाँ पर कोई कॉम्प्लीमेंट के प्रोडक्ट जैसे सी थ्री ए सी फाइव ए यहाँ पहुँचते हैं तो ये एक्साइटेड होते हैं सब्सटेंस पी भी इसमें मदद कर सकता है अब यहाँ पर हम देखेंगे एक इमेज के माध्यम से किस तरीके से हिस्टेमिन रिलीज किया जाता है और पूरी की पूरी इंफ इन्फ्लामेशन की प्रोसेस में इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है हालांकि हमने हिस्टमिन के सिस्टमिक इफेक्ट्स के बारे में भी चर्चा किया क्योंकि इसके सिस्टमिक इफेक्ट्स को अगर समझेंगे तो हम इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी यहीं पर एक उसका बेसिक बैकग्राउंड बना पाएंगे ऑटोक्वाइड्स का जो टॉपिक है हमारा फार्माकोलॉजी का वो यहीं पर क्लियर हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग डस्ट से पॉलिन के लिए एलर्जिक होते हैं तो उनकी बॉडी में इससे एक्सपोजर होने पर कुछ खास तरीके के एंटीबॉडीज रिलीज किए जाते हैं कैसे उसके बारे में अब यहाँ पर एक एनिमेशन के द्वारा हम देखने की कोशिश करेंगे ये डस्ट या पॉलिन हमारे बॉडी के लिए एक एंटीजन का काम करते हैं एक एक्सटर्नल कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हमारे बॉडीज बॉडी से अलग होता है वो एंटीजन का काम करता है कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सके वो एंटीजन है यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटीजन को एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने इनगल्फ किया माइक्रोफेज हमारे बॉडी में पाए जाने वाले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हैं डेंड्राइटिक सेल भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं ये करते क्या हैं ये किसी भी सब ऐसे एंटीजन को लेकर के इसे अपने भीतर डाइजेस्ट करते हैं और उसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को जिसे एक्सप्रेस करना चाहिए उसे एक्सप्रेस करने के लिए प्रेरित करते हैं तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो कि माइक्रोफेज uh, है उसने एंटीजन को इनगल्फ किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे बॉडी में लेकर के डाइजेशन की प्रोसेस हुई और उसके बाद इसके जो कुछ खास प्रोडक्ट्स जिसमें इसके स्पेसिफिक पार्ट्स यह बैक्टीरिया के बैक्टीरिया के उन प्रोडक्ट्स को अपने सरफेस पर एक्सपोज करता है जिसकी मदद से दूसरे सेल्स एक्टिवेट हो सके तो यहां पर यह बैक्टीरिया के लिपो प्रोटीन्स को एक्सपोज कर सकता है जैसा कि आपने देखा बैक्टीरिया आई उसे डाइजेस्ट किया गया उसके कुछ खास प्रोडक्ट्स को अपने सरफेस पर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने एक्सपोज किया ये कौन से चीज हो सकते हैं बैक्टीरिया के ये लिपो हो सकते हैं ग्राम पॉजिटिव अगर बैक्टीरिया है तो उसका पेप्टिडोग्लाइकॉन हो सकता है इसी तरीके से ये लिपोपोलिसक्राइड हो सकते हैं, हैं पेप्टिडोग्लाइकॉन्स हो सकते हैं जिसको देख करके दूसरे सेल्स इसको समझ करके इनफ्लामेटरी रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबुल हो जाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं ये कहां पर एक्टिवेट इसको एक्सप्रेस करता है एमएससी मॉलिक्यूल्स के द्वारा इनको अपने सरफेस पर एक्सपोज करता है एमएचसी मॉलिक्यूल्स का क्या इंपॉर्टेंस आप देख सकते हैं यहां ये है एमएचसी क्लास टू मॉलिक्यूल ये क्लास टू एम एच सी मॉलिक्यूल की मदद से अपने सरफेस पर बैक्टीरिया के पेप्टिडोग्लाइकॉन या फिर लिपोपोलीसेक्राइड या फिर उसके लिपोप्रोटीन्स को एक्सपोज करता है यहां पर आप देख सकते हैं जब ये एक्सपोज होता है तो इसे देख करके दूसरा सेल इसके करीब पहुंच रहा है ये दूसरा सेल है कौन सा ये दूसरा सेल है टी हेल्पर सेल जो इस एंटीजन को देखने के बाद इसको पहचानता है कि ये बाहरी कोई एलिमेंट है और इसकी वजह से बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा टी हेल्पर सेल आकर के इसके जब देखता है तो वो बी सेल को एक्टिवेट करता है यहां पर आप देख सकते हैं टी हेल्पर सेल ने बी सेल को जाकर के एक्टिवेट किया ये पूरी इम्यूनिटी की कहानी होती है जिसमें बी सेल अब यहां पर एक्टिवेट हो रहा है इम्यूनिटी की पूरी कहानी को यहां पर समझना थोड़ा जरूरी हो जाता है एक्चुअली कोई भी बॉडी में ऐसा सब्सटेंस जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है या जो हमारे बॉडी से अलग है उसको कुछ खास सेल्स अपने सरफेस पर लेकर के एक्सपोज करती हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया और इस तरीके से वो एक्सपोज करती हैं कि दूसरे कुछ खास सेल्स आकर के उनकी पहचान करते हैं हालांकि ये काम कुछ प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के द्वारा होता है जिसमें मैंने मैक्रोफेजिस की मदद से इस प्रोसेस को आपको समझाया था कि मैक्रोफेजिस का मैंने एनिमेशन अभी आपको दिखाया है मैक्रोफेजिस किसी एंटीजन को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं मैंने आपको बताया था कि एम क्लास टू मॉलिक्यूल की मदद से ये अपने सरफेस पर एक्सपोज करते हैं यहां पर अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि ये एमएचसी टू मालिक्यूल ही क्यों क्या एमएचसी टाइप वन मालिक्यूल भी होता है क्या तो बिल्कुल होता है उसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है अभी आप सिर्फ एमएचसी क्लास टू मालिक्यूल के बारे में देखें तो उन्होंने बैक्टीरिया को मारने के बाद उस प्रोडक्ट को जिसको जिसकी मदद से इम्यूनिटी को एक्सपोज किया जा सकता है इम्यूनिटी को एक्सलरेट किया जा सकता है उसको उन्होंने अपने सरफेस पर रिप्रेजेंट किया जिसे एंटीजन कहते हैं इसे कुछ खास सी डी फोर टी सेल सी डी फोर टी आकर के पहचानती हैं और वो पहचानती हैं टोल सेल रिसेप्टर की मदद से वो किसके द्वारा पहचानती हैं? यह माफ करिएगा ये टी नहीं है ये माफ करिएगा टी सी आर है टी सेल रिसेप्टर के द्वारा ये पहचानते हैं ये इमेच्योर अभी सी डी फोर टी सेल थे जिन्होंने मेच्योर टी सेल ने जब इसको पहचाना तो ये मेच्योर सी डी फोर प्लस टी सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं इम्यूनिटी में इसका क्या खास रोल है किस तरीके से पहचानने के बाद ये मेच्योर हो जाता है एक बात याद रखिएगा यहां पर एक रूल टाइप का आप समझ लें कि फोर इंटू टू इज इक्वल टू एट यहां पर इसका क्या मतलब है सी डी फोर वाला एम एच सी क्लास टू मॉलिक्यूल की मदद से एक्सप्रेस होने वाले एंटीजन की पहचान कर पाता है जबकि इसके बगल में आप देख रहे हैं प्रोफेशनल जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हैं चाहे वो मैक्रोफेजेस हों इस तरीके से डाइजेस्ट करने के बाद एक्सप्रेस करती हैं चाहे वो बी सेल हों बी सेल भी इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर सकते हैं अभी हम एक इमेज के माध्यम से आपको दिखाएंगे ऐसे ही डेंड्राइटिक सेल्स भी इम्यून रिस्पॉन्सेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जनरेट कर सकते हैं वो भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हैं, और वो ये तीनों ही एमएचसी क्लास टू मालिक्यूल के द्वारा एंटीजन का प्रेजेंटेशन करते हैं जबकि इसके अलावा बाकी कोई भी सेल जब एंटीजन को अपने सरफेस पर एक्सप्रेस करती है तो वो एमएचसी क्लास वन मालिक्यूल की मदद से करती है और इसको टी सेल इसको महसूस करते हैं इस एंटीजन को वो होते हैं सी डी एट प्लस टी सेल ये भी इम्मेच्योर होते हैं और जब इसके कांटेक्ट में आते हैं तो ये मेच्योर सी डी एट टी सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो यहां पर आपको समझना होगा इमेच्योर सी डी एट पॉजिटिव टी सेल ने क्या किया यहां पर ये एमएचसी क्लास वन मॉलिक्यूल की मदद से जब एंटीजन को पहचाना तो ये मेच्योर सी डी एट पॉजिटिव टी सेल में कन्वर्ट हो जाता है यहां पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूं एट प्लस वाला वन को रिप्रेजेंट करता है तो यहां मल्टीप्लीकेशन एट आया एट इंटू वन यहां वन इंटू एट एट रहा इन टू टू एट रहा ताकि आप ये समझें सी डी फोर पॉजिटिव जो टी सेल हैं वो एमएचसी क्लास टू के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाने वाले एंटीजन को पहचान पाते हैं वहीं सी डी एट प्लस वाला एमएचसी क्लास वन के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाने वाले मॉलिक्यूल को पहचान पाता है तो ये इम्यूनिटी का हमने एक मोटे तौर पर बेसिक आइडिया यहाँ पर तैयार कर लिया है जो कि आगे इम्यूनिटी के टॉपिक को समझने में बहुत ज्यादा मदद करेगा यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो सेल्स हैं सी डी फोर पॉजिटिव जो सेल्स हैं ये मेच्योर हेल्पर टी सेल हैं जिनका आप यहां पर देख पा रहे हैं वहीं सी डी एट पॉजिटिव होते हैं तो इसके बारे में हम इम्यूनिटी के टॉपिक में डिस्कस करेंगे सी डी फोर पॉजिटिव जो टी सेल हैं वो मेच्योर हेल्पर टी सेल में कैसे कन्वर्ट हुए सी डी एट पॉजिटिव जो सेल है वो मेच्योर साइटोटॉक्सिक टी सेल में जो कन्वर्ट हुआ इसका फीचर क्या होगा इसको हम आगे डिस्कस करेंगे यहाँ पर बेसिक फैक्ट ये था कि हम इम्यूनिटी के उस बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है उसके साथ साथ इन्फ्लामेशन को लिंक करके एक आइडिया बनाना चाहते थे एक बार फिर से हम वीडियो को देखेंगे यहाँ पर डस्ट पॉलिन या कोई एलर्जन आता है तो किस तरीके से आईजीई मॉलिक्यूल एक्टिवेट होते हैं यहाँ पर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो कि बी सेल भी हो सकता है सेल भी हो सकता है, या फिर मैक्रोफेजेस भी हो सकते हैं इसको मैं एक इमेज के माध्यम से दिखाता हूं यहां पर आप देखें, इसे किस तरीके से इनगल्फ किया जा रहा है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल किस तरीके से एंटीजन को या उस सब्सटेंस को जो हार्मफुल सब्सटेंस है अभी ये पूरी तरीके से एंटीजन के रूप में आप ना समझें, आप ये समझे वोल बैक्टीरिया ही है अब इसके कुछ पार्ट्स को ही अपने सरफेस पर एक्सपोज करेगा तो यहां पर देखिए डाइजेस्ट किया और उसके बाद इसके कुछ खास प्रोडक्ट्स को इसने अपने सरफेस पर एक्सपोज किया ये इसी तरीके के एक्सपोजर को अभी मैं एक इमेज के माध्यम से दिखाऊंगा यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से डेंड्रेटिक सेल्स ने एंटीजन को अपने सरफेस पर एक्सपोज किया है ये चूंकि दूसरा इमेज है इसलिए यहां पर थोड़ा सा उसका मॉलिकुलर प्रेजेंटेशन अलग तरीके से दिखाया गया है लेकिन उससे कोई घबराने वाली बात नहीं देखिए एंटीजन को प्रेजेंट किया गया है डेंड्राइटिक सेल्स के द्वारा और इसे पहचानने के लिए टी सेल्स आ रहे हैं जो इमेच्योर टी सेल हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्रोफेज ने अगर इसको एक्सप्रेस किया है अपने सर्फेस पर तो किस तरीके से टी सेल्स आते हैं अपने टी सी आर की मदद से इसको पहचानने की मदद, कोशिश करते हैं ऐसे ही ये बी सेल्स के सरफेस पर अगर ये एक्सप्रेस होते हैं एंटीजन आप देखें तो बी सेल्स के सरफेस पर भी आकर के ये उसके साथ कांटेक्ट करते हैं और जब ये इंफॉर्मेशन मिलती है तो इस इंफॉर्मेशन को आगे ये भेजते हैं और दूसरे सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए प्रेरित करते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि आगे इंफॉर्मेशन पहुंचने के बाद जब ये टी सेल्स एक्टिवेट हुए तो इन्होंने क्या किया अपने ही जैसे सेल्स का क्लोनल एक्सपेंशन करा सकते हैं डेंड्राइटिक सेल्स वाले केस में अपने जैसे सेल्स की इन्होंने संख्या बढ़ा दी और इस तरीके से टी सेल्स की बहुत बड़ी संख्या इन्होंने तैयार कर दी यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर ये आ, इफेक्टर जो टी सेल्स यहां जो इमेच्योर सेल जब ये मेच्योर सेल में जब जनरेट होगा तो ये क्या करता है ये कुछ ऐसे केमिकल मीडिएटर्स जनरेट करता है जिसकी मदद से माइक्रोफेज बार बार मल्टीप्लाई करके अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं ताकि जो काम इस अकेले ने किया है वो काम सारे के सारे मैक्रोफेजेस करना शुरू कर दें क्या आप बात समझ पा रहे हैं इसको आप समझें जैसे एक मैक्रोफेज ने खाया उसको मार करके चौपट कर दिया केवल उसके कुछ पार्ट्स को उसने अपने सरफेस पर एक्सपोज किया था अभी आपने एनिमेशन के दौरान देखा वैसे ही ये बहुत सारे मैक्रोफेजेस तैयार हो जाएंगे जो इस तरीके के सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करने लगेंगे बी सेल ने क्या किया बी सेल ने जब अपने सरफेस पर इसको एक्सपोज किया तो हुआ क्या इसने इफेक्टर टी सेल ने दूसरे बी सेल्स को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया ताकि वो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन बढ़ा दें बस इतनी ही कहानी होती है इम्यूनिटी में इननेट इम्यूनिटी में जिसका थोड़ा सा लिंक हमारे इनफ्लामेशन के प्रोसेस से भी होता है क्योंकि मैक्रोफेजेस इसी तरीके से एक्टिवेट होते हैं मैक्रोफेजेस ही एक्टिवेट इसी तरीके से होते हैं वो कुछ केमिकल मीडिएटर्स को रिलीज़ करते हैं जो हमने इंफ्लामेशन के दौरान देखा है उस प्रोसेस को यहां पर लिंक करना होगा इम्यूनिटी से और जो भी केमिकल मीडिएटर्स हैं वो इस प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होते हैं और इन्फ्लामेशन की प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होते हैं इसलिए हम बारी बारी से इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते रहेंगे इसने अपने सरफेस पर देखिए एमएचसी मॉलिक्यूल के द्वारा एक्सपोज किया सरफेस पर एक्सपोजर हुआ यहां पर देख सकते हैं ये क्लास टू एम मॉलिक्यूल सी है यानी ये प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है ये हो सकता है बी सेल हो हो सकता है ये डेंड्राइटिक सोल हो 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 सकता है ये मैक्रोफेजेस अब यहां पर क्या हुआ इस एंटीजन को पहचानने के लिए टी सेल रिसेप्टर की मदद से कोई इमेच्योर टी सेल यहां पर पहुंचेगा तो ये इमेच्योर टी सेल यहां पर पहुंचा जो कि हेल्पर टी सेल है यानी यहां पर जो बात चल रही है क्लास टू एम की चल रही है ना तो ये हेल्पर टी सेल इसलिए कहा गया क्योंकि आप जानते हैं ये बदलेगा सी डी फोर पॉजिटिव टी सेल में जिसको हम हेल्पर टी सेल कहते हैं सी डी फोर पॉजिटिव आप इस बारे में अभी इमेज की जो बात थी याद होगा आपको सी डी फोर पॉजिटिव जो टी सेल है उन्हीं को हम कहते हैं आगे चल करके हेल्पर टी सेल तो हेल्पर टी सेल में ये कन्वर्ट होगा ये किसकी मदद से इसको पहचान पा रहा है TCR की मदद से टी सेल रिसेप्टर के द्वारा इसको पहचान कर पा रहा है तो इस तरीके से क्या हुआ यहां पर टी हेल्पर सेल यहां एक्टिवेट हुआ है अपने टी सेल रिसेप्टर के माध्यम से इसने देखा ऐसे ही यहां पर ये जो टी सेल रिसेप्टर वाले जो सेल्स हैं वहां पर आपने देखा किसी खास सेल के पास गया था पहचानने के लिए ऐसे ही यहां पर आप देख सकते हैं ये बी सेल के एंटीजन प्रेजेंटेशन को भी पहचान सकता है मैंने बताया था ये डेंड्राइटिक सेल के पास भी जा सकता है ये बी सेल के पास भी जा सकता है देखिए बी सेल के पास जाएगा तो यहां पर देखिए बी सेल है बी सेल के भी एंटीजन प्रेजेंटेशन को ये देख रहा है और एंटीजन प्रेजेंटेशन को देखने के बाद इसने क्या किया टीसीआर जो रिसेप्टर के माध्यम से देखा और इसने बी सेल के सरफेस पर एक्सपोज हुए एंटीजन को पहचाना यह है आपका टी सेल और अब यह करेगा क्या कुछ केमिकल मीडिएटर्स को रिलीज कराना शुरू कर देगा यहां पर आप देख रहे हैं हेल्पर टी सेल ने साइटोकाइंस को रिलीज कराना शुरू कर दिया ये साइटोकाइंस हैं कौन से आई एल वन और टी एन एफ टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर है ये बहुत खास होते हैं अब आपने देखा इसका काम अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके का होता है जब ये मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करा रहा था तो मैक्रोफेजेस को बोल रहा था कि आप अपनी संख्या बढ़ाइए यहां पर इसने जब बी सेल के सरफेस पर रिप्रेजेंट हुए एंटीजन को देखा तो इसने पहचानने के बाद कहा कि मैं अपने केमिकल सिग्नल्स भेज रहा हूं जिनको इसने कहा कीमोकाइंस आपने देखा यहां पर तो साइटोकाइंस साइटोकाइंस को रिलीज करके इसने प्रेरित किया बी सेल को अपनी संख्या बढ़ाने के लिए तो इस तरीके से आपने देखा बी सेल्स की संख्या बढ़ी अब यहां पर देखें आप तो देखिए बी सेल की संख्या बढ़ती जा रही है ये मल्टीप्लाई लगातार कर रहे हैं और अपनी संख्या लगातार बी सेल बढ़ाते जा रहे हैं आप देखें तो ये लगातार अपनी संख्या को ही नहीं बढ़ा रहे हैं बल्कि बी सेल्स अब प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो चुके हैं ये बी सेल्स एक्चुअल में टिश्यू फ्लूड में आ चुके हैं मैंने आपको बताया था इसके पहले आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी मोनोसाइट्स ब्लड में होते हैं और जब ये मोनोसाइट्स टिश्यू फ्लूड में पहुंचते हैं तो उनका नाम बदल करके मैक्रोफेजेस हो जाता है ऐसे ही बी सेल्स ब्लड में जब होते हैं तो उनको बी सेल्स कहते हैं जब ये टिश्यू फ्लड में आ जाते हैं तो देखें ये मैच्योर हो चुके हैं और ये लगातार मल्टीप्लाई करके अपनी संख्या बढ़ाए हैं और मैच्योर हो जाने के बाद इनको प्लाज्मा सेल कहा जाता है ये बहुत सारे अभी देखेंगे आप ये एंटीबॉडीज़ को बनाना शुरू कर देते हैं यहाँ देखें आप एंटीबॉडीज़ को इन्होंने बनाना शुरू कर दिया ये ख़ास अगर हम इंफ्लामेशन के लिहाज से बात करें तो ये आई का प्रोडक्शन बढ़ा चुके हैं किसका प्रोडक्शन बढ़ा है आई का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं ये आई करता क्या है कैसे काम करेगा ये आप देख सकते हैं ये आई जी ईप्सोनाइजेशन के लिए काम करता है कैसे आप यहां पर देखें ये किसी खास बैक्टीरिया के सरफेस पर पहुंचा अब इसके पास एंटीबॉडीज हैं। आप यहां पर देखें इसके पास ये एंटी anti, इस एंटीबॉडीज के पास एंटीजन बाइंडिंग साइट है क्या है इसके पास इस एंटीबॉडी के पास एंटीजन बाइंडिंग साइट है ये आसानी से ओवरऑल बैक्टीरिया को भी देख करके उसके सरफेस पर एक्सप्रेस होने वाले एंटीजन के साथ बाइंड हो सकता है ये बात अभी हम इस एनिमेशन में देख सकते हैं यहाँ पर आप देखें तो क्या हुआ यहाँ पर आपने आप, आप, आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा इस पॉइंट को फिर से क्लियर कर लें इसने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के लिए नहीं आई का सीधा काम चूंकि हमें इन्फ्लामेशन के लिहाज से देखना है तो ये मास्ट सेल्स के पास पहुंचते हैं जिसके पास हिस्टेमिन के ग्रेन्यूल्स हैं माफ़ करिएगा ये बात दूसरे जगहों पर फॉलो होता है कि एंटीबॉडीज़ जा करके बाइंड होंगे अभी सिर्फ आप अपना फोकस ऐसे करें कि ये एंटीबॉडीज़ जा करके मास्ट सेल्स को को जा के एक्टिवेट करेंगे जिसके पास हिस्टेमिन के ग्रेन्यूल्स हैं ये आई जी ई जाकर के आप ये देख रहे हैं एफ सी रिसेप्टर इसके पास दो रिसेप्टर्स होते हैं थोड़ी सी बात मेरी सही है लेकिन वो इस मामले में नहीं काम करती है वो आई जी ई प्रोड्यूस किया है इसलिए यहाँ एक्यूट इन्फ्लामेशन में रिस्पॉन्स हम देख रहे हैं ये है इसका एंटी एंटीजन बाइंडिंग साइट और ये है इसका एफ सी रिसेप्टर जिसके माध्यम से इसने देख रहे हैं आप ये मास सेल्स uh, के सरफेस पर जाकर के बाइंड हुआ है अब इसका आगे का इफेक्ट क्या होगा उसको देखते हैं यहां पर इसने आईजीई जाकर के मास सेल्स पर बाइंड हुआ किसके माध्यम से एफसी रिसेप्टर के माध्यम से अब होगा क्या यहां पर आप देखें अभी इसका मास सेल्स पर बधा हुआ एफ सी रिसेप्टर कॉन्स्टेंट जो इसका जो रिसेप्टर साइट है उसके माध्यम से जुड़ा हुआ है और इसका एंटीजन बाइंडिंग साइट अभी ओपन है तो इस एंटीजन बाइंडिंग साइट की मदद से इसने डायरेक्टली बैक्टीरिया को पकड़ना शुरू कर दिया देख रहे हैं आप क्योंकि बैक्टीरिया के जो एंटीजन वाले साइट थे जिसको पहले माइक्रोफेज खा करके सिर्फ एक्सपोज कर रहे थे अब वो बिना खाए ही पहचानना उनको पॉसिबल हो गया है यहां पर आप देख सकते हैं सीधे उनकी पहचान हो जा रही है पहले क्या होता था कि इसको पूरा इनगल्फ करता था फिर सिर्फ इतने टुकड़े को मैक्रोफेजेस एक्सपोज करते थे अब क्या हुई है ओवरऑल पकड़ लिए गए और मैक्रोफेजेस

और इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए मास्टर्स हिस्टामिन को रियल में रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं आप देख सकते हैं हमारी बॉडी में कोई भी प्रोसेस वेल रेगुलेटेड होती है वो पूरी तरीके से रेगुलेटेड होती है उसे जब कहा जाता है तभी वो प्रोडक्ट्स रिलीज़ किए जाते हैं भले ही ये फॉर्म था लेकिन अभी जब इसकी आवश्यकता हुई तभी इसे डिग्रेनुलेट करके हिस्टामिन को रिलीज़ किया गया है ये मीडिएटर अब दूसरे सेल्स को प्रभावित करेगा और अलग अलग तरीके से अपने पैदा करेगा यह डायलेट करेगा एच वन रिसेप्टर के माध्यम से यह एयर वे को कॉन्स्ट्रेक्ट करता है, है। एच वन रिसेप्टर पर काम करके ये म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ा देता है इतना ही नहीं यह नर्व इंडिंग्स पर एच वन रिसेप्टर के माध्यम से यह पेन के सेंसेशन को भी बढ़ा देता है तो इस तरीके से आप देख रहे हैं स्टेमिन ने ऐसा किया ये डर्मिस में पाए जाने वाले रिसेप्टर्स जो होते हैं उसके द्वारा ईचिंग का सेंसेशन ये सारी बातें हमने डिस्कस कर लिया है उसको हम यहां पर इमेज के माध्यम से देख रहे हैं तो यहां पर आप देखा आपने एच वन रिसेप्टर के माध्यम से स्मूद मसल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ वैसोडाइलेशन हो गया कैपलरीज की परमेबिलिटी बढ़ गई ईचिंग होना शुरू हो गया ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा अब इसके बाद होता है एरेकडोनिक एसिड के मेटाबोलाइट्स उसके बारे में बात करने से पहले एक बार फिर से हम इनके बारे में जो इंफ्लामेशन की प्रोसेस है उसको एक बार फिर से हम समझने की कोशिश करते हैं यहां पर एक बार फिर से हम इनफ्लामेटरी रिस्पॉन्स को समझने के लिए एक एनिमेशन जो पहले डिस्कस कर चुके हैं उसी को देखेंगे यहां पर आप देखें कोई सिग्नल जो कि यहाँ पर नॉक्सियस स्टूमलस पहुँचता है जिसकी वजह से केमिकल सिग्नल जनरेट होते हैं ये केमिकल सिग्नल इंडोथिलियल सेल्स को प्रभावित करते हैं और जिसकी वजह से सेलेक्टि एक्सप्रेस हो रहे हैं ये जो सिग्नल है जो यहाँ से जनरेट होकर के यहाँ पर पहुँचा है ये साइटोकाइंस ही हैं ये साइटोकाइंस को बनाया किसने साइटोकाइंस को बनाया है मैक्रोफेजेस ने इन्हीं रिस्पोंसेस के दौरान आप देख रहे हैं इंटीग्रिंस यहां आकर के ज्वाइंट करेंगे यहां पर जो यहां पर है इन्होंने ही हिस्टेमिन को रिलीज किया है इस प्रोसेस को एक बार फिर से हम देख सकते हैं इस एनिमेशन में जहां ब्लड वेसल्स आराम से अपने ब्लड के सर्कुलेशन को मेंटेन किए हुए हैं जब इसके आसपास के एरिया में कोई इन्फेक्शन का साइट जनरेट हुआ जैसे यहां पर इंजर्ड साइट पर बैक्टीरिया पहुंचते हैं तो सबसे पहले मैक्रोफेजेस ने प्रोसेस चल रही है इसे खत्म किया और ये कुछ साइटोकाइन को भी रिलीज कर रहे हैं इसी दौरान ये इसे अपने सरफेस पर एक्सपोज भी करते हैं ताकि दूसरे सेल्स को पता चल सके अभी चूंकि हमारा टारगेट है उन साइटोकाइंस के रिस्पॉन्स को समझने का तो आप देख रहे हैं कि वो साइटोकाइंस जो कि रिलीज किए गए हैं वो यहां इंडोथिलियल सेल्स तक पहुंच गए हैं मैंने आपको बताया है कि जो साइटोकाइंस माइक्रोफेज ने रिलीज किया है वो साइटोकाइन टी एन एफ एल्फा और आप टी एन एफ टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर और आई एल वन ने इस काम को रेगुलेट किया है मैंने अभी इसके पहले दिखाया किस तरीके से आई एल वन जैसे साइटोकाइंस को रिलीज किया गया है जिन्होंने इंडोथिलियल सेल्स पर आकर के अपना एक्सप्रेशन शो किया है ये पूरी की पूरी प्रोसेस इसलिए समझना जरूरी है ताकि हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें इसी दौरान मैंने आपको बताया है कि ये केमिकल जो मीडिएटर्स हैं जो साइटोकाइंस हैं इन्होंने ही न्यूट्रोफिल्स की स्पीड को स्लो डाउन किया है यहां पर आप देख रहे हैं इन सरफेस पर एक्सप्रेस हुए मॉलिक्यूल्स की मदद से ही इंफ्लामेशन के प्रोसेस में न्यूट्रोफिल्स एग्रीगेट होंगे उस साइट पर पहुंचने की कोशिश करेंगे इसके लिए इंटीग्रिन और आईसीएम मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटीग्रेशन जो इनका आपस में इंटररिलेशन बनता है जिसकी वजह से न्यूट्रोफिल्स रुक रहे हैं उन्होंने काम किया यहां पर इसी दौरान ब्रैडिक्रैडिक काएनिन, रिलीज हुए जिसके बारे में मैंने बताया था कैनिन सिस्टम के भी प्रोडक्ट्स तो हुआ क्या यहां गैपिंग तैयार हुई जिसकी वजह से न्यूट्रोफिल्स साइट ऑफ इंफेक्शन पर पहुंचे ये तो काम हमने एक्यूट इन्फ्लेमेशन के दौरान देख रहे हैं जिसमें तेजी से हमें रिस्पॉन्स पैदा करना है इसी दौरान एक साथ में और घटना घट रही होती है जिसके बारे में अभी मैंने पिछले एनिमेशन में दिखाया था कि किस तरीके से एंटीजन को एक्सप्रेस किया जाता है वो एंटीजन कैसे काम करते हैं वो मास सेल्स को कैसे रेगुलेट करते हैं मास सेल्स कैसे हिस्टेमिन को रिलीज़ करता है हिस्टेमिन की वजह से किस तरीके से इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जनरेट हो रहे हैं इस चीज़ को आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर एक्जुडेट्स की वजह से यहाँ एडिमा हो रहा है इस पूरी प्रोसेस के रेगुलेशन को अच्छी तरीके से समझना ज़रूरी है तभी हम यहाँ अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर कर सकते हैं इसी प्रोसेस के दौरान प्रोस्टाग्लैंड इंडोथिलियल सेल्स ने रिलीज किया है ये प्रोस्टाग्लैंड जो रिलीज हुए हैं ये नर्व सेल्स को स्टमुलस स्टमुलेट दे करके पेन के सेंसेशन को जनरेट करते हैं ये प्रोस्टाग्लैंड कैसे बने हैं क्यों जनरेट हुए हैं किसकी वजह से जनरेट हुए हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे यहाँ पर हिस्टामिन कैसे रिलीज हुआ मास सेल्स कैसे एक्टिवेट हुए हैं इस पूरी प्रोसेस को हमने आपके सामने समझाने की कोशिश की है और ये बनाने का एक कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश किया है कि जो प्रोसेस उसको अगर हम डिटेल में समझ लेते हैं तो इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट को समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से इन्फ्लामेशन के अब शुरुआती जो साइन हैं वो यहां पर जनरेट होते हुए दिखेंगे जिसमें रेडनेस वार्म्स, पेन, स्वेलिंग और अल्टर्ड फंक्शन आपको देखने को मिलेगा रेडनेस वार्म पेन स्वेलिंग ये सारी प्रोसेस यहां पर देखने को मिलती है और लास्ट में अल्टर्ड फंक्शन भी आपको देखने को मिलेगा यहां पर आपने पिछले अभी जो एनिमेशन आपने देखा उसमें आपने मैक्रोफेजेस के द्वारा रिलीज किए जाने वाले साइटोकाइंस के बारे में तो देखा लेकिन वो कैसे एग्जैक्टली exactly वर्क करते हैं उसको समझने के लिए आप देख लें ये मैक्रोफेजेस है जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है जिसने बैक्टीरिया को सबसे पहले खाया आप यहां पर देख सकते हैं बैक्टीरिया को खाया और इसके उस हिस्से को जिससे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो सकता है उसको अपने सरफेस पर इसने एक्सपोज किया इसको टी सेल रिसेप्टर की मदद से सी डी फोर पॉजिटिव टी सेल ने इसको देखा जो कि हेल्पर टी सेल है हेल्पर टी सेल की भी दो कैटेगरीज होती हैं हेल्पर टी सेल वन और हेल्पर टी सेल टू इसके डिटेल में अभी नहीं जाना है हुआ क्या इस पूरी प्रोसेस में जब हेल्पर टी सेल ने इसको पहचान लिया तो हुआ क्या हेल्पर टी सेल दोबारा यहां पर साइटोकाइंस रिलीज करता है वही टिश्यू आई एल वन और टी जी एफ को ये रिलीज करता है जिसकी वजह से मैंने आपको बताया था मैट्रोफेज बार बार डिवाइड करते हैं यहां पर थोड़ा इमेज पूरी तरह कंप्लीट नहीं है ये सेल्स बार बार अपने आप को डिवाइड करते हैं इतना ही नहीं ये जाकर के बी सेल जैसे बी सेल पर भी अगर कोई एक्सप्रेस हुआ कोई एंटीजन हो तो उसको भी जाकर के पहचानता है और उस पर भी ये जब प्रेजेंट हुए एंटीजन को देख करके ये एक्टिवेट होता है और बी सेल को भी एक्टिवेट करता है कि ये भी बार बार मल्टीप्लाई करके अपनी संख्या बढ़ाए इस दौरान बी सेल अपनी संख्या तो बढ़ाते ही हैं आपको एनिमेशन याद होना चाहिए उस थोड़ा बैग जाकर के आप देखने की कोशिश करिएगा ये एनिमेशन आप देख पाएंगे यहां पर टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर आपको मैंने बताया था टी एन एफ टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर या टी एन एफ और इसके अलावा आई एल वन ये सबसे महत्वपूर्ण यहां पर साइटोकाइंस होते हैं वो रिलीज किए जाते हैं जिसके द्वारा एक तरफ इसने इस तरीके के एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को एक्टिवेट किया जो मैक्रोफेजेस हैं यहां पर बी सेल एक्टिवेट हुआ बी सेल के एक्टिवेट होने से क्या होगा एंटीबॉडीज पहले तो बी सेल अपना नंबर बढ़ाएगा बी सेल फिर बाद में अपने आप को मैच्योर होगा प्लाज्मा सेल के रूप में ये सारी चीजें इस इमेज में नहीं दी गई हैं यहां पर इसने साइटोकाइंस के जो नाम बता रखे हैं अभी मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा यहां पर जो साइटोकाइंस हैं उस पर आप अभी जोर ना दीजिए बस ये समझिए बी सेल की संख्या यहां बढ़ी है और ये लगातार मल्टीप्लाई करके एंटीबॉडीज बनाता जा रहा है है ये एंटीबॉडीज के एफसी सेगमेंट के द्वारा मास सेल्स पर जाकर के जुड़ गए और यहां पर जाकर के चिपक जाते हैं ऐसे ही ये बेसोफिल्स के भी सरफेस पर जाकर के चिपक जाते हैं और आगे कोई बैक्टीरिया अगर डायरेक्ट पहुंचता है तो अब उसे पचाने की जरूरत नहीं पड़ती बल्कि डायरेक्ट उसके एंटीजन को सीधे पहचान लिया जाता है आप यहां पर देख सकते हैं सीधे उसके एंटीजन को पहचाना इसने और तुरंत डिग्रेनुलेट करके अपने भीतर से हिस्टेम को बाकी दूसरे साइटोकाइंस को रिलीज करता है इतना ही नहीं इस दौरान मास सेल्स प्रोस्टाग्लैंड ल्यूकोट्राइन्स को भी रिलीज करते हैं या प्रोस्टाग्लैंड ल्यूकोट्राइन्स क्या हैं उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे इसी दौरान आप देख सकते हैं हेल्पर टी सेल ने जब ये सारी प्रोसेस चल रही है तो इसने इस्नोफिल्स को भी एक्टिवेट किया इस्नोफिल्स प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर और को रिलीज करते हैं तो इस्नोफिल्स का भी आपको पता है ना एक्यूट इंफ्लामेशन में इसका भी अपना इंपॉर्टेंस होता है यहां पर डिटेल में बात करेंगे जो यहां हैं जो साइटोकाइंस हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस इमेज में हम देख सकते हैं डिफरेंट तरीके के का प्रोडक्शन जैसे कि माइक्रोफेज ने आई एल वन को प्रोड्यूस किया यह दूसरे अपने ही जैसे सेल्स को मल्टीप्लाई करने के लिए प्रेरित करता है यानी दूसरे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को और ज्यादा प्रोड्यूस होने के लिए प्रेरित करता है यह इतना ही नहीं यह आई एल वन इस तरीके के जो दूसरे बी सेल्स हैं उनके द्वारा भी प्रोड्यूस होता है अगर ये बी सेल्स के द्वारा अगर आई एल वन प्रोड्यूस होता है तो ये सेल्फ बी सेल के ग्रोथ को प्रोड्यूस करने के लिए प्रेरित करता है तो ये आई एल वन इस तरीके के सेल्स को सेल्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रेरित करता है ऐसे ही बी सेल के द्वारा भी ये प्रोड्यूस किया जा सकता है और इनके मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रेरित करता है इस दौरान एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन भी बढ़ता है जो कि अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले एनिमेशन में देखा यहां पर आई एल फोर ये बी सेल के प्रोलीफरेशन को उसके मल्टीप्लीकेशन को प्रेरित करता है और आई जी ई के प्रोडक्शन को यहां पर आप देख सकते हैं तेजी से बढ़ा रहा है आई एल थर्टीन ये आई एल फोर की तरह काम करता है आप यहां पर देख सकते हैं आई एल फोर और आई एल थर्टीन ये क्या कर रहे हैं बी सेल के प्रोलीफरेशन और आई जी ई के प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं यहीं पर आपने देखा सी डी फोर टी हेल्पर सेल ने सी डी फोर प्लस टी हेल्पर सेल ने आई एल थ्री के प्रोडक्शन को बढ़ाया आई एल थ्री ब्लड सेल प्रिकर्सर्स के ग्रोथ को बढ़ाती है जिसके द्वारा यहां पर आप देख सकते हैं स्नोफिल्स की संख्या बढ़ी है इसी तरीके से आई एल फाइव जो रिलीज हुआ है इसने खास तौर पर पूरे यहां पर तो पूरे ब्लड सेल के प्रिकर्सर्स की ग्रोथ कराई जाती है यानी सारे ब्लड सेल की ग्रोथ होंगे न्यूट्रोफिल्स भी बनाए जाएंगे बाकी सारे सेल्स बनाए जाएंगे क्योंकि पता चल चुका है हेल्पर टी सेल को कि यहाँ पर कोई इन्फेक्शन आया हुआ है इसलिए आई एल थ्री का ग्रोथ यहाँ पर की मदद से सारे ब्लड के प्रिकर्सर्स का ग्रोथ कराया जा रहा है जब ये आई एल फाइव को रिलीज़ करता है तो आई एल फाइव स्नोफिल के ग्रोथ को ख़ास तौर पर प्रमोट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस के लिए केमिकल मीडिएटर्स जिसमें साइटोकाइंस के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है ये पूरी चीज इसलिए मैंने आपके सामने रखा ताकि आप इसको अगर बेहतर तरीके से समझ पाएंगे तो आगे के कॉन्सेप्ट्स इम्यूनिटी के चैप्टर को समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा